नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी न्यूज़ के बारे में जो IMF ने दी है। IMF क्या करता है कि ग्रोथ रेट का जो अनुमान है वगैरह ये सब जारी करता है। तो उसी के तहत उसने भारत, चीन, कनाडा, फ्रांस, UK और सारे देशों की जो है एक GDP रैंकिंग जारी की है। अब देखते हैं कि GDP रैंकिंग में ऐसा क्या खास है कि उसे जारी करना पड़ा, या पहले से ही जारी करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं थी लेकिन फिर भी जारी करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि GDP रैंकिंग इस हिसाब से जारी की गई है कि कितनी ग्रोथ रहेगी भारत की। तो उन्होंने बताया कि 2021 में जो है भारत की ग्रोथ की उम्मीद है 9.5%। अब ये ग्रोथ 9.5% होगी कैसे? पहली तिमाही में 2021-22 की जो ग्रोथ रही थी उसका वो रही थी 20.1%, जैसा कि रिजल्टों ने दिखाया था, जो कि मतलब मार्च और जून के बीच जो तिमाही चलती है, मतलब मार्च से शुरू होती है पहली तिमाही किसी भी साल की, तो उसकी ग्रोथ रही थी 20.1%। अब 2022 में कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 8.5%। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। और भारत में क्या वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है, और 40 साल में जो भारत की ग्रोथ रेट है पहली बार -7.3% हो गई थी। और एक ये वजह है कि कारोबारी गतिविधियां भी एक वजह है। अमेरिका और चीन की ग्रोथ रेट भारत से कम रहेगी। अब भारत से कम क्यों रहेगी अमेरिका और चीन की ग्रोथ रेट? क्योंकि अमेरिका और चीन की ग्रोथ भारत से इसलिए कम रहेगी क्योंकि उनका जो है वैक्सीनेशन तो हो गया है लेकिन उनके बाजार में इतनी संभावना नहीं है जितनी संभावना भारत के बाजार में मौजूद है। और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो अमेरिका और चीन की ग्रोथ रेट लगभग 6 के आसपास ही रहेगी दोनों की, 21 और 22 में। 22 में कम रहेगी, इस साल थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 6 रहेगी, अगले साल 5.5 5.2 दोनों देशों की ऐसे ही रहेगी। तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो एक अच्छी ग्रोथ रेट हम कह सकते हैं कि 8.5 से 9 के बीच है। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था मतलब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये जल्दी ही बन सकता है भारत, जैसा कि इसमें बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।